हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड सहायक आचार्य 26001 भर्ती को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। एक इंसान था, मान लेते हैं उसका नाम रोहित था, या कुछ भी आप नाम रख सकते हो, ठीक है। रोहित था तो ये ना अपने पड़ोसी से बहुत जला करता था। तो इसने भगवान से आशीर्वाद मांगा, इसने तपस्या करी और फिर भगवान प्रसन्न हुए और इससे बोला गया कि तुम क्या चाहते हो, क्या तपस्या करके तुम क्या हासिल करना चाहते हो। तो रोहित ने कहा कि भगवान आप मुझे जो है समृद्ध बना दीजिए, धनवान बना दीजिए, बुद्धिमान बना दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु, लेकिन जो तुम्हें मिलेगा और तुम्हारे पड़ोसी को उसका डबल मिल जाएगा। अब देखो, रोहित ने अपने घर में एक भैंस मांगा, पड़ोसी के घर में दो भैंस। इसने मांगा एक टीवी, पड़ोसी के घर में दो टीवी। इसने मांगा 1 लाख, पड़ोसी के घर में 2 लाख। इससे जलकर रोहित ने एक दिन कहा कि भगवान मेरी एक आंख फोड़ दो, पड़ोसी का 2 आंख फूट जाएगा। अब ये रोहित कौन है आप अच्छे तरह से समझ सकते हो, झारखंड सहायक आचार्य 26001 भर्ती के मामले में। तो फाइनली कुछ अपडेट आई है। देखिए ये यहाँ पे ना कुछ भी 100% क्लियर नहीं है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि एक इंग्लिश में एक फ्रेज है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो इसका ही जो है आप एग्जाम्पल देख पाओगे। एक्चुअली आपको भी पता है कि आचार संहिता लगने वाली है, और आचार संहिता लग गई तो फिर नियुक्ति वगैरह होने में आपको भी पता है समस्या आती है। और आप झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो पब्लिकली जो है किसी भी तरह से नियुक्ति पत्र बांट नहीं सकते हैं, और सरकार को हर हाल में नियुक्ति पत्र बांटना है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। सरकार हाल में ही जो है सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाई कि हमें हर हाल में जो है आप इस स्टेप पे, इस रिजल्ट के स्टेप से जो है रोक हटा लीजिए, बाद में आपका जो भी डिसीजन आएगा उस पर बात की जाएगी। तो फाइनली ये मैंने यहाँ पे खुशखबरी क्यों लिखी है मैं आपको बता दूं, ये हाफ सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। अभी आपको पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। और जेटेट वर्सेस सीटेट को लेकर जो है हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद जो है ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं जेटेट वाले। अब सुप्रीम कोर्ट में जो है डिसीजन क्या आएगा नहीं आएगा वो तो समय के गर्भ में छिपा हुआ है, आपको भी पता होगा। मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ क्योंकि अब बोलने के लिए कुछ है नहीं मेरे पास, मैं कुछ भी नया नहीं बोल सकता हूँ आपको। देखिए केबीएस वाला मामला जब भी कोर्ट में फंसा तो लगभग लगभग 1 साल लग गए थे, 1 साल। पंचायत सचिव के भी रिजल्ट में जो है इसी तरह से बहुत समय जो है कंज्यूम हो गया था कोर्ट में। तो ये भी केस जो गया हुआ है झारखंड सहायक आचार 26001 भर्ती, ये भी लंबे समय तक जो है मामला कोर्ट में रहने वाला है। लगभग लगभग मिनिमम मैं बता रहा हूँ 1 साल यहाँ पे जो है मामला ये लटक जाएगा। आपको भी पता होगा कि राम मंदिर का जो विवाद है वो भी बहुत वर्षों तक चला था। जो भी जो केस होते हैं ना, जो कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं उसमें समय लगता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये इंश्योर करती है कि किसी के साथ भी इनजस्टिस ना हो जाए, इसलिए जो है चीजें लंबे समय तक खींचती है। और लंबे समय तक खींचने से क्या होगा ना, सपोज कर लो कि 2 साल 3 साल लग गए, तो 3 साल जिनकी नौकरी होने वाली थी, 3 साल नौकरी उनकी तो खत्म हो गई ना, 3 साल की सीनियोरिटी खत्म हो गई, आपका जो पे स्केल है वो बढ़ने वाला है वो घट जाए, घटेगा नहीं बट घट ही जाएगा ना, क्योंकि आप 3 साल काम नहीं कर पाओगे। तो जिनका सिलेक्शन कंप्लीट है उनके साथ तो ये धोखा ही हो रहा है। अब देखिए हुआ क्या है, ये सारी बातें मैं बताऊंगा। और यहाँ पे एक लाइन मैंने लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही सुलझ जाएगा केस। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ इसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए इसके लिए एक हिंट आया हुआ है, इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है मेरे द्वारा। अब देखिए आप लोग मुझसे सहमत हो सकते हो, असहमत हो सकते हो, मुझे इस बात का जो है थोड़ा सा भी इल्म नहीं है कि आप मुझसे असहमत हो जाइए। हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है और आप अपनी बात रख सकते हो, मैं भी अपनी बात रख सकता हूँ। सहमत असहमत होना ये जो है बहुत ही आम सी बात है, इसमें किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मेरे फेवर में कोई बात नहीं बोलते हो तो मुझे उससे थोड़ा भी बुरा नहीं लगेगा। लेकिन आप सीटेट वाले हो, जेटेट वाले हो, ईमानदारी से बताना सारी नियुक्ति प्रक्रिया किसके वजह से रुकी हुई है। जेटेट 2016 वाले की वजह से रुकी हुई है। अब जेटेट 16 वाले बोलेंगे कि हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, हम 8 सालों से इंतजार कर रहे थे, भर्ती प्रक्रिया नहीं आई थी। मैं बस पूछना चाहता हूं कि आप लोग 2016 में पास कर गए, जो 2017 में जिन्होंने बीएड कंप्लीट करा, 2018 में बीएड जिन लोगों ने कंप्लीट करा, उसके बाद उतने सालों से वो इंतजार कर रहे हैं, इसमें किसकी गलती है? वो लड़का कहाँ जाएगा जिसने 2017 में कंप्लीट जो है बीएड कर लिया था या फिर डीएलएड कर लिया था, वो कहाँ जाएगा? उसके बारे में किसी ने सोचा है कुछ? तो इस पे ये जवाब नहीं देते हैं। और सीटेट के मामले में ये बार बार एक ही बात जो है ये राग अलापते हैं कि सीटेट जो है वो सेंट्रल एजेंसी जो है एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो हम लोग इसको जो है कैसे झारखंड में वैलिडेट कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ सीटेट और जेटेट का, अभी जो जेटेट न्यू आया हुआ है उसमें आप देखोगे तो क्षेत्रीय भाषा के तौर पर आप हिंदी और इंग्लिश भी जो है चुन सकते हो। तो सीटेट और जेटेट में अंतर कहाँ रह गया? और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, ये जो नया जेटेट है इसमें भी लूपहोल निकाला गया है, आगे चलकर इसमें भी समस्या आ सकती है, क्योंकि इसमें रीजनल लैंग्वेज के नाम पे तो आप हिंदी इंग्लिश भी रख सकते हो, तो कल को इस पे भी केस किया जा सकता है।
लूफोल सरकार छोड़ देती है और कुछ छात्र नेता, मैं नाम नहीं लूंगा, इधर के भी और उधर के भी हैं, सीटेट और जेटेट वाले भी हैं, जो कि जो है चंदा के नाम पर बड़े बड़े होटलों में रुक रहे हैं, खाना खा रहे हैं और आपका मेरा पैसा जो है इसमें वेस्ट हो रहा है। मैं मानता हूँ कोर्ट कचहरी में सारी चीज़ें जो है वो शोर शराबा की वजह से चल रहा है, लेकिन एक बेरोजगार इंसान से 1,000-2,000 रुपये लेना, उसके बाद ये कोर्ट केस में जो है लोगों को फंसा देना, ये कितनी अच्छी बात होगी, आप ही सोच कर देखो। अब देखिए हुआ क्या है, यहाँ से देखिए, ये परिमल कुमार का जो है फेसबुक पोस्ट है, परिमल कुमार वही हैं, इन्होंने जो है जेटेट 2016 वाले की जो है, आप इनको लीडर कह सकते हो, सारे केस की जो है तह तक जाना या फिर सारे केस की देख रेख करना इन्हीं के जिम्मे है, परिमल कुमार जी के जिम्मे में है। अब इन्होंने एक पोस्ट डाला है, यहाँ से आप देख सकते हो, आज रांची में जेएससी सचिव, देखिए ये जेएससी ऑफिस भी गए थे, इसके बाद ये जो है प्राथमिक शिक्षक निदेशक के पास भी गए थे, यहाँ से आपको दिखेगा स्कूली साक्षरता विभाग की तरफ से भी ये जो वहाँ भी ये मिलने गए थे, उसके बाद देखिए कृषि मंत्री से भी ये मिले हैं बादल पत्रलेख से, और शिक्षकों की नियुक्ति जल्द से जल्द, देखिए ये वाला सेंटेंस देखना, इसमें ना थोड़ा सा मुझे हिपोक्रेसी नजर आता है, हिपोक्रेसी का जो हिंदी वर्ड है मैं बोल नहीं सकता हूँ वीडियो में, लेकिन आप तो समझ ही गए होंगे कि उसको हिंदी में, ठेठ हिंदी में क्या कहते हैं। तो जल्द से जल्द जो है किस प्रकार जो है इस मामले में प्रक्रिया हो सकती है, इन तमाम विषयों पर चर्चा हुई। देखिए अब इस लाइन को ना, वो बोलते हैं ना कि इंग्लिश में एक और एक फ्रेज है, मैं ना इंग्लिश की फ्रेज की एक वीडियो आप लोगों के लिए ले आऊंगा, रीड बिटवीन द लाइन, ये बहुत ही कमाल का फ्रेज है और इस पर ना डिप्लोमेसी वगैरह जो है बहुत चलती है ना, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, यानी कि जो बातें लिखी गई है वो एक्चुअली लिखी नहीं गई है, आपको खुद से पढ़ना होगा, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, तो ये जो है दो लाइन्स के बीच में, दो जो सेंटेंस है इसके बीच में कुछ मीनिंग निकलता है, हमेशा निकलता है, याद रखना। देखो यहां से जो ये वर्ड है ना, जल्द से जल्द, अब आप ही बताओ मामला कहां पर है, सुप्रीम कोर्ट में है, तो आप ही बताओ ये सुप्रीम कोर्ट जब तक डिसाइड नहीं करेगी कि क्या हो सकता है नहीं हो सकता है, तो नियुक्ति जल्द से जल्द कैसे आ सकती है। आपको मैंने कहा ना कि कम से कम साल भर या फिर एटलीस्ट अभी की तुलना में देखें तो 3 सितंबर से पहले सुनवाई होने वाली है नहीं, 3 सितंबर को सुनवाई होगी, डेट आगे बढ़ेगा, डेट आगे खिसकेगा या क्या हो सकता है वो तो समय के गर्भ में छिपा हुआ है, लेकिन ये जल्द से जल्द कैसे करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि सरकार, देखो एक्चुअली क्या ना कि सरकार डेस्परेट है ना, वो जो होता ना सरफिरे आसिक की तरह कि नस काट लूंगा अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी, तो वैसे सरकार वैसे मूड में चली गई है कि एनी हाउ किसी तरह से भी जो है ये वैकेंसी जो है कंप्लीट हो जाए, ये वैकेंसी को कंप्लीट कराने के लिए जो है सरकार बिल्कुल भी जो है रेडी है, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। तो देखिए इस वैकेंसी को कंप्लीट कराने के लिए सरकार जो है बिल्कुल अपने हर स्तर पे लग चुकी है। अब मैं भी यही चाहता हूं कि देखिए कुछ बीच का रास्ता निकले, मैं देखो वो बोलते हैं ना शिकवा भी तुमसे है शिकायत, पर ये भी सच है कि तुमसे मोहब्बत, तो जेटेट 16 वाले हमारे आपके ही भाई बहन है, बहुत सारे आपके भी रिश्तेदार होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता, ये कोई बाहर से आए हुए व्यक्ति नहीं है, जेटर 16 में कुछ बंगाल कुछ यूपी के लोग भी होंगे डेफिनेटली, बट फिर भी मैं सभी को भाई बहन मानता हूँ, भारत के निवासी हैं तो सभी मेरे भाई बहन हैं, तो अपने भाई बहन से मोहब्बत होना कोई बुरी बात नहीं है, और अगर दो भाइयों के बीच में कलह हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो उसे सुलझाया जा सकता है, मेरा ये मानना है, और मैं चाहता हूँ कि सरकार इस पे जो है कुछ एक तैयारी करके आए और जेटर 16 वाले के लिए कुछ अलग से प्रावधान ले आए, ठीक है, 2-4-5 नंबर का इनको रिबेट दे दिया जाए। अब मैं यहाँ पे कोई एक्सपर्ट नहीं बैठा हूँ, आप मेरे, मैंने कहा ना कि ये मेरा अपना ओपिनियन है, आप नीचे कमेंट करके मुझसे एग्री डिसएग्री दोनों कर सकते हो। मैं चाह रहा हूँ कि सरकार यहाँ पे क्या करे, 2 या 5 नंबर का रिबेट दे दे कि चलो 5 नंबर जो है बढ़ा दिया जाएगा जेटर 2016 वाले का, या फिर 10 नंबर बढ़ा दिया जाएगा, वो सरकार डिसाइड करे कि कैसे जो है, या फिर एज के अकॉर्डिंग, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो है उनको जो है मार्क्स जो है प्रोवाइड किया जाए, उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार किया जाए, एक्स्ट्रा 5 नंबर 10 नंबर जो है इनको दे दिया जाए, इस पे जो है मेरिट लिस्ट तैयार किया जा सकता है, और ये मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन तरीका है। इसके अलावा अगर सीट को रिजर्व करके जो है, रिजर्वेशन के आधार पर अगर रिजर्व करके जो है इनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाता है तो वो भी गलत होगा। मैं मानता हूं कि मुझे लग रहा है कि ये मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है सबसे बेस्ट तरीका होगा, बाकी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो क्या हो सकता है, और मुझे आशा है अगर ये परिमल कुमार जी ये वीडियो देख रहे हैं या फिर उनके टीम की ओर से कोई भी इस वीडियो को देख रहा है तो आप सरकार से इस मामले में बात करें कि हम लोगों को जो है 10 से 15 नंबर या जो भी हो सकता है 5 नंबर का जो है आप जो है हम लोगों को एक्स्ट्रा दे दें और उसके बाद जो है रिजल्ट को पब्लिश कर दिया जाए और ये जो है केस को विड्रॉल कर लें हाईकोर्ट से, सारा समस्या का जो है फसाद की जड़ जो है ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में हम लोग फिस जाएंगे, लंबे फिस जाएंगे, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। और एक और बात देखो याद रखना, झारखंड सरकार की हमेशा से ये नीति रही है कि ये जो है भर्ती प्रक्रियाओं को लटकाएंगे, अब सरकार जैसे ही ये सरकार जाएगी, हो सकता है कि जेएमएम की सरकार फिर से ना आए,
है ना। नई सरकार आए तो वो क्या डिसाइड करेगी इस भर्ती पे, वो तो नई सरकार के ऊपर निर्भर करेगा। ये सरकार पूरे मामले को समझ रही है, जान रही है और अच्छे से समझ भी रही है। तो ऐसे में मैं चाहता हूँ कि सरकार की ओर से जो है इनको, सरकार के नुमाइंदों तक, मंत्रियों तक जो है ये अपनी बात रखें और इस तरह से रखें कि इसका सॉल्यूशन निकले कुछ। ये नहीं कि वो बोलते हैं ना कि बार बार दो बंदरों के बीच में बिल्ली जो है रोटी खा जाती है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बिल्ली सरकार के तौर पर जो है रखा जाए, सरकार जो है हम लोगों का रोटी खा जाए। देखो हम ही लोग दो बंदर हैं, जेटेट वाले भी बंदर हैं और सीटेट वाले भी बंदर हैं। बंदर का मतलब लिटरली बंदर मत ले समझ लेना। हम लोग आपस में झगड़ रहे हैं, फायदा कौन उठा रही है? सरकार उठा रही है फायदा। हम दोनों का फायदा सरकार ही उठा रही है, भर्ती प्रक्रिया लटकी हुई है। तो मैं चाह रहा हूं कि दोनों मिलकर सामने आए। वो बोलते हैं ना कि एक कदम आप आगे बढ़ाओ, एक कदम हम आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, हाथ मिलाते हैं और इस समस्या का जो है समाधान ढूंढते हैं। अदरवाइज समस्या ये जो है गहरी होती जाएगी। वो बोलते हैं ना, घाव जितना गहरा होगा, जख्म जितने गहरे होंगे, उतना नुकसान होगा। खैर देखते हैं कुछ पॉजिटिव आउटकम्स इससे आता है अथवा नहीं, देख समय के गर्म में है। ये तो परिमल कुमार जी ही बता पाएंगे कि यहाँ पे ये किस बेस पे ये जो है इन्होंने बातें लिखी है, क्या ये चाहते थे। जो भी हो, मैंने यहाँ पे अपनी बात रखी है। बाकी आपको जो भी समझ में आता है वो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखने के लिए स्वतंत्र हो। बस संसदीय भाषा का इस्तेमाल आपको करना है और ऐसा ही कमेंट लिखना जो कि आपकी माँ, आपकी बहन भी जो है आपके सामने में आप पढ़ सकती है और आप भी जो है अपने से छोटे के सामने वो कमेंट को पढ़ सकते हो। बस इतनी सी बात आपको लिखनी है। बाय द वे, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करना है, साझा करना है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।